हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इस पे आता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं स्क्लेरोडर्मा के बारे में, जो स्टमक स्क्लेरो के हम आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे इसकी जांच की जाती है, कैसे इस प्रॉब्लम से बचा जाए और क्या इसका इलाज है। होम्योपैथिक, एलोपैथिक सभी ट्रीटमेंट की हम बात करने वाले हैं। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्लेरोडर्मा क्या है। देखिए, स्क्लेरो का मतलब होता है हार्डनिंग यानी कि थिकनिंग, और डर्मा का मतलब होता है आपकी स्किन। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा थिक यानी मोटी हो जाती है, हार्डनिंग हो जाती है, सख्त हो जाती है अगर आपकी स्किन, तो उसको हम स्क्लेरोडर्मा कहते हैं। और ये एक ऐसा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है यानी कि एक तरह की ऑटो इम्यून बीमारी है जो पूरे शरीर को प्रभावित करती है। अब ऑटो इम्यून का मतलब क्या है? देखिए, ऑटो इम्यून बीमारियाँ वो बीमारियाँ होती हैं जिसमें आपका शरीर, ऑटो मीन सेल्फ, इम्यून, हमारा इम्यून सिस्टम डिफेंस सिस्टम होता है जो हमें बाहर के रोगाणुओं से, जर्म से बचाता है। जैसे ही वो एंटर करते हैं तो उनको किल करके, पहचान के उनको किल करके, नष्ट करके ख़त्म करता है। इसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और इस केस में, ऐसे केसेस में क्या होता है, जो इम्यून ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं उनमें हमारा इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पाता है यानी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है बाहर के सेल्स में और अंदर अपने सेल्फ, खुद के सेल्स में, और अपनी ही कोशिकाओं को, अपने ही सेल्स को, टिश्यू को डैमेज करने लग जाता है। तो इनको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये उसी कैटेगरी का एक डिसऑर्डर है यानी कि ऑटो इम्यून बीमारी एक तरह का, और लॉन्ग लास्टिंग है यानी काफ़ी टाइम तक चलता रहता है, काफ़ी लंबे टाइम तक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और सिस्टमिक है, पूरे सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है, स्किन के साथ साथ फेफड़ों को, किडनी को, और जो है हार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है, बाकी आपके डाइजेशन सिस्टम को, GIT को भी अफेक्ट कर सकता है। डेजियस है, इन्फेक्शियस है। कंटेजियस और इन्फेक्शियस का मतलब जो एक दूसरे से फैलते हैं, ये कंटेजियस और इन्फेक्शियस नहीं है, ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। टाइप्स की यानी कितने तरह का ये होता है, कहाँ कहाँ पे ये प्रॉब्लम कर सकता है। देखिए, अगर हम टाइप्स की बात करें तो जो सबसे कॉमन देखा जाता है वो स्किन का देखा जाता है, तो जिसको कि हम लोकलाइज के फर्दर दो कैटेगरी में रखा जाता है, मॉर्फिया और उसके साथ साथ इसको रखा जाता है लीनियर। लोकलाइज में मॉर्फिया और लीनियर है। मॉर्फिया का मतलब होता है एक स्किन में आपका ओवल शेप्ड अंडे के जैसा कोई स्किन उभार हो जाना, पैचेज आ जाना, एक स्वेलिंग हो जाना जो लाल रंग का हो सकता है, पर्पल रंग का हो सकता है, और बीच में से धीरे धीरे वो सफ़ेद रंग का उठा हुआ भी हो सकता है। और लीनियर का मतलब, देखिए, लाइन जो होती है, नाम से ही पता लग रहा है, लीनियर यानी लाइन में अगर आपके स्किन में हार्डनेस हो जाते हैं, थिकनिंग हो जाते हैं, तो हमको उसको लीनियर कहते हैं, स्क्लेरोडर्मा कहते हैं। अब बात करते हैं सिस्टमिक, जिसको हम जनरलाइज्ड भी कहते हैं। सिस्टमिक का मतलब जो बहुत सारे सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, जनरलाइज्ड यानी कि अलग अलग अंगों को जो प्रभावित कर सकता है। लिमिटेड जो है, लिमिटेड का मतलब भी देखिए नाम से पता लग रहा है कि एक तो इसका ऑनसेट बहुत स्लो होता है, बड़े ये प्रॉब्लम डेवलप होती है, धीरे धीरे आपके हाथों में, पैरों में हो सकती है, और इसी में ही आता है एक क्रस सिंड्रोम, आपने सुना भी होगा। क्रस को हम यहाँ पे बता देते हैं, सी से यहाँ पे कैल्सिनोसिस है। अगर आपकी बॉडी में हाई कैल्शियम के डिपॉजिट्स हो जाते हैं तो उसको हम कैल्सिनोसिस कहते हैं। आर का मतलब यहाँ पे रोमिना से है, जो यूजुअली महिलाओं में देखा जाता है। आपने देखा होगा फिंगर टिप्स लाल हो जाती हैं, सूज जाती हैं, और उनमें जो है सर्कुलेशन कम हो जाता है पैरों में, हाथों की उंगलियों में, जिसको जो कि सर्दियों में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आर ई का मतलब यहाँ पे ईसोफेजियल डिस्फंक्शन से है। ईसोफेजियल जो आपका फूड पाइप होता है यानी आपको निगलने में दिक्कत होना, डिफिकल्ट स्वॉल्विंग, निगलने में ज़्यादा दिक्कत, खाना वापस आ जाना, एसिडिटी हो जाना, तो ये सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। और फिर स्क्लेरोडैक्टाइली का मतलब है जो आपकी जो उंगलियाँ हैं, फिंगर्स हैं, टोज हैं, उनका जो है हार्डनिंग हो जाना, स्क्लेरोसिस हो जाना, शाइनी हो जाना। और लास्ट में टेलेंजेसिया आता है जिसमें आपकी जो नई ब्लड वेसल्स की ग्रोथ हो जाती है आपके स्किन के सर्फेसिस पे। तो ये क्रस सिंड्रोम एक तरह का है जो कि हमारे सिस्टमिक स्क्लेरोडर्मा में लिमिटेड वन में आता है। फिर आता है, तो देखिए नाम से पता लग रहा है, डिफ्यूज, जो कि आपका नॉर्मली एक तो बहुत जल्दी बहुत ही फास्ट इसका ऑनसेट होता है, और आपके डिफ्यूज देखिए फैला हुआ यानी कि लंग्स को, किडनी को, हृदय को, हार्ट को, ये इन सब को अफेक्ट कर सकता है, थिकनिंग इनमें कर सकता है। कहते हैं कारण की, कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स की। देखिए कोई कारण ऐसा सीधा कोई कारण इसका नहीं है, एक तरह का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, हमने पहले ही बताया है। और साथ ही साथ कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं यानी कुछ कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फैमिली हिस्ट्री की। अगर फैमिली हिस्ट्री का कोई केस है तो फैमिली हिस्ट्री में ये देखा जाता है, और साथ ही साथ कुछ तरह के कीमोथेरेपीज होते हैं उनके बाद भी ये प्रॉब्लम देखी गई है, कुछ तरह की मेडिसिन होती हैं उनके बाद भी कोई ऐसा एक्सपोजर है तो भी देखा गया, सिलिका का एक्सपोजर है तो भी देखा जाता है, और भी है कुछ जीन, जेनेटिक लेवल पे जीन चेंजेस
कुछ इसमें मास है। और उम्र की अगर हम बात करें तो 30 से 50 की उम्र में जो है लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है और महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। अब बात करते हैं हम इसके साइन और सिम्टम्स यानी कि लक्षण की कि क्या आपको दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए साइन सिम्टम यानी कि लक्षण कंप्लीटली डिपेंड करेंगे आपके केस के ऊपर, आपके सिस्टम इन्वॉल्वमेंट के ऊपर कि आपका कौन सा सिस्टम, आपको किडनी इन्वॉल्व है, आपका हार्ट इन्वॉल्व है या फिर आपके फेफड़े इन्वॉल्व है या फिर सिर्फ आपका स्किन इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। बाकी हम यहाँ पे पूरे सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्किन की तो स्किन की हार्डनिंग है, थिकनिंग है, आपने देखा होगा उंगलियों में बहुत स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, चमकने शाइनी अपीयरेंस वो देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें डाइजेशन की तो इसमें खाना वापस आ जाना, एसिडिटी होना और खान निकलने में दिक्कत होना, डिस्फेजिया, डिफिकल्ट स्वॉलिंग ये सब भी इसमें देखा जाता है, और बेली क्रैम्प्स यानी पेट में मरोड़ उठना ये देखा जाता है, साथ ही साथ में ब्लॉटिंग भी इसमें सिम्टम देखा जाता है। और अगर हम बात करें ब्लड वेसल्स की, अगर आपकी खून की नलियां हैं उनका स्क्लेरोसिस देखा गया है, उनकी हार्डनिंग हो जाती है, तो फिर ऑब्वियस ही बात है आपको हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी का प्रॉब्लम देखा जा सकता है। और एक क्रस सिंड्रोम में हमने रेनाउस फिनोमेना की बात करी ली थी कि आपकी जो है उंगलियां जो है लाल हो जाती हैं, सर्कुलेशन कम वहां पे हो सकता है, और जो कि सर्दियों में प्रॉब्लम महिलाओं में ज्यादा होती है, सर्दियों में प्रॉब्लम बढ़ जाती है, मास्कुलर वीकनेस, मांसपेशियों की कमजोरी इसमें देखी जाती है, और सांस लेने में दिक्कत होना, अगर लंग अफेक्ट हुए हैं आप हो सकती है, और मुंह का और आंखों का ड्राइनेस यानी सूखापन भी इसमें देखा जाता है। बाकी डिपेंड करता है कि आपका केस क्या है, क्या आपके सिम्टम्स हैं। अब बात कर लेते हैं हम इसके डायग्नोसिस की, क्या टेस्ट जरूरी है, क्या जांचें की जाती हैं। देखिए सबसे पहले आपका पूरा केस लेना, फिजिकल एग्जामिनेशन, पूरा केस हिस्ट्री और साथ ही साथ बेसिक ब्लड टेस्ट करना, ब्लड टेस्ट आप ESR हो सकता है, और आपका जो है RA फैक्टर चेक किया जा सकता है, और आपके लंग फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट भी किए जा सकते हैं, लंग्स का आपका चेस्ट एक्सरे हो सकता है या फिर सीटी स्कैन चेस्ट का हो सकता है, हार्ट के लिए EKG टेस्ट कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राम कर सकते हैं, यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये कुछ जांचें हैं जो जरूरी हैं, की जा सकते हैं। बायोप्सी भी किसी किसी केसेस में जरूरी हो जाता है केस हिस्ट्री सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन की, नुकसान की, कि अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। देखिए कोई भी आपको सिम्टम्स है तो उसको कोशिश करें जल्दी से जल्दी ट्रीट करने का, वरना उसके कॉम्प्लिकेशन यानी कि बुरे प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो अगर आपको ब्लड वेसल यानी खून की नलियों का स्क्लेरोसिस है वहां का, तो फिर जो है आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम देखा जा सकता है, हार्ट फेलियर भी इसमें देखा जाता है, किडनी फेलियर भी इसमें देखा जाता है, किडनी की प्रॉब्लम देखी जाती है, लंग प्रॉब्लम्स भी इसमें देखी जाती है, सांस लेने में दिक्कत होना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। अब बात कर लेते हैं कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस की कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें ट्रीटमेंट के साथ साथ मैनेजमेंट पार्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आपको जो है एक्सरसाइज, हल्का फुल्का फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसमें मूवमेंट रिस्ट्रक्शन हो जाते हैं, यानी आप अच्छे से मूव नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आपकी मूवमेंट्स ईजी हो जाते हैं, तो आप एक्सरसाइज की तरफ जाएं, थोड़ा डाइट अपना बैलेंस रखें, फ्लूइड इनटेक अपना ज्यादा रखें, और ये सब आप मैनेज कर सकते हैं। भी तरीके के नशे से जैसे मान लो एल्कोहल है या फिर जो है तंबाकू है, टबाको, स्मोकिंग और जो है ड्रिंकिंग आप अवॉइड करें। अब बात कर लेते हैं हम ट्रीटमेंट पार्ट की। देखिए ट्रीटमेंट को हम एलोपैथिक और होम्योपैथी में रखेंगे। एलोपैथी में आपको जो है एनएसएड्स दिए जाते हैं यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती हैं, और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केसेज हैं, दूसरे सिस्टम इन्वॉल्व हैं, तो फिर आपको स्टेरॉयड्स भी दे सकते हैं, और एनएसएड्स आपको दिए जाते हैं जो कि पेन और स्वेलिंग सूजन को कम करते हैं। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। देखिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हमेशा फोकस करता है आपके एज ए होल, यानी ऑलरेडी आपके सिस्टम है, कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है, किस सिस्टम की आपको दिक्कत है और क्या आपके सिम्टम्स हैं यानी कि लक्षण है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे कुछ टॉप इफेक्टिव मेडिसिन रखी हुई हैं जिनकी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम एलुमिना की बात कर लेते हैं। एलुमिना होम्योपैथी की ऐसी मेडिसिन है जो कि स्क्लेरोडर्मा के केसेस में काफ़ी अच्छी है, यानी स्किन अगर हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, मोटी हो जाती है, तो एलुमिना अच्छी मेडिसिन है। एलुमिना में आपको कॉन्स्टिपेशन देखा जाएगा यूजुअली, यानी कब्ज की प्रॉब्लम, बाउल मूवमेंट्स देखी जाएंगी, तो आप एलुमिना यूज कर सकते हैं। ड्रॉपर इस पे लगे हुए हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बताई हुई एक ही मेडिसिन यूज करें और अपने सिम्टम के हिसाब से जो मेडिसिन जो है मैच करे, यानी जो दिक्कत आपको है वही वाला मेडिसिन आप लेते हैं थोड़े लंबे टाइम तक, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। और कोशिश करें धीरे धीरे करके मेडिसिन स्टार्ट करें, जैसे दो दो तीन दिन ड्रॉप्स ली, दिन में दो तीन बार सुबह दोपहर शाम खाने से पहले लगातार दो चार हफ्ते लिया, फर्क पड़ जाए आपको तो दवा धीरे धीरे कम करके बंद भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे रखा हुआ है एंटीमोनियम क्रूडम। देखिए ये एंटीमोनियम क्रूडम है। एंटीमोनियम क्रूडम होम्योपैथी में हम तब देते हैं जब आपको बहुत ज्यादा थिक और हार्डनिंग, एंटीमोनियम का करेक्टरिस्टिक यही होता है कि आपकी जो स्किन है बहुत मोटी हो जाती है और जो है रफ हो जाती है, थिक हो जाती है,
और एंटीमोनियम क्रूडम के केसेस में रूमेटिज्म भी इसमें देखा जाता है। तो अगर रूमेटिज्म है, आपको स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप एंटीमोनियम क्रूडम यूज कर सकते हैं। लेना वैसे ही रहेगा, दो दो तीन तीन बूंदे सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले लगातार दो चार हफ्ते तक, और हमेशा मेडिसिन के नाम पर फोकस करें। एंटीमोनियम क्रूडम कंपनी कुछ भी हो सकता है, जहां से आप बिलोंग करते हैं, जहां पे आप रहते हैं। होम्योपैथी में कंपनी कई तरीके की होती है, तो आप यूज कर सकते हैं। फिर हमने रखा हुआ है यहाँ पे पेट्रोलियम। देखिए, पेट्रोलियम आपने देखा होगा बहुत ही कॉस्मेटिक्स में, पेट्रोलियम जेल आती है, पेट्रोलियम क्रीम आती है, जिनको बहुत ज्यादा हार्ड स्किन होता है, ड्राई स्किन होता है मॉइस्चराइजिंग के लिए। तो वही कॉन्सेप्ट है होम्योपैथी में, पेट्रोलियम स्क्लेरोडर्मा के केसेस में काफी अच्छा है। पेट्रोलियम 30 या 200 पावर में आप ले सकते हैं, दो दो तीन तीन बूंदे ऑरली मुंह में ही लेना है, दिन में दो तीन बार, खाने से पहले लगातार दो चार हफ्ते आप यूज कर सकते हैं। फर्क पड़ने पे आप धीरे धीरे करके दवा बंद कर सकते हैं। अब हमने रखा हुआ है यहाँ पे लाइकोपोडियम। देखिए, लाइकोपोडियम 30 या 200 पावर में आप ले सकते हैं, लेना वैसे ही है, दो दो तीन तीन बूंदे से बैठे शाम। लाइकोपोडियम का इंडिकेशन कि लाइकोपोडियम में आपको बेली, जो हमने बात करी थी, ब्लॉटिंग यानी टमी बाहर आ जाना, पॉट बेली टमी इसको हम कहते हैं, तो आप लाइकोपोडियम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने लास्ट में रखा हुआ है साइलेशिया। साइलेशिया होम्योपैथी मेडिसिन। देखिए, हमने बात करा था कि स्क्लेरोसिस जो है, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस कहते हैं हम इसको, तो ये आपको कहीं का भी, जैसे मान लो लंग्स का हो जाता है, हार्ट का हो जाता है, किडनी का हो जाता है, तो अगर आपको प्रॉब्लम लंग्स में है तो आप साइलेशिया यूज कर सकते हैं। साइलेशिया लीजिएगा, दो दो तीन तीन बूंदे सुबह दोपहर शाम, खाने से पहले, और लगातार यूज कर सकते हैं। तो इनमें से, इनके अलावा बहुत सी मेडिसिन है, अर्जेंटम जो है, नाइट्रिकम है मेडिसिन है, फॉस्फोरस है, थियोजनामिनम है, और भी कई मेडिसिन है, अगेरिकस है, अगेरिकस रेनॉल्ड्स में बहुत अच्छा काम करती है, काफी सारी मेडिसिन है, क्रोटॉन टिग है, ब्रायोनिया है, कॉस्टिकम है, ग्रेफाइटिस है, इचुनेशिया, लाइको, पेट्रोलियम, फॉस्फोरस, काफी सारी दवाइयां हैं। सो मेनी मेडिसिन इन होम्योपैथी डिपेंड कि आपके सिम्टम्स क्या हैं, तो ये मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। और डॉक्टर रेक्वेक जर्मन का हमने 12 ड्रॉप्स रखा हुआ है 12 नंबर करके है, और हमने कैल्सिनोसिस का एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है। कैल्सिनोसिस, कैल्सिनोसिस का मतलब है एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट हो जाना, यानी एक्स्ट्रा कैल्शियम जहां जहां पे जमा हो जाना, जॉइंट्स में, फिंगर में, कई तरह का जमा हो जाता है, तो उसमें आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। 12 नंबर है ये, लिक्विड ड्रॉप में है, थोड़े से पानी में, ये मेडिसिन आपको थोड़े से पानी में लेना पड़ेगा, थोड़े से पानी में, 2-3 चम्मच पानी में, गुनगुने पानी में इसकी 10 से 15 ड्रॉप्स मिक्स करके दिन में 2-3 बार खाने से पहले लगातार आप ले सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे क्रीम रखा हुआ, ऑइंटमेंट कैलेंडुला एलोवेरा कैलेंडुला मल्टीपर्पज क्रीम। तो ये होम्योपैथिक है, ये मल्टीपर्पज क्रीम की तरफ आप जाएगा, और एलोवेरा इसमें होना चाहिए, जो कि आपको मॉइस्चराइजिंग देता है, नमी देता है, वो आप लगा सकते हैं, और इसका मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है। तो होपफुली ये वीडियोज आपकी मदद कर सके, वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन यानी घंटी भी दबाएं, आपको सभी नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो दवाओं के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से अपने केस के अकॉर्डिंगली आप कोई भी एक दवा खरीद के अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एक दवा से अगर फर्क नहीं पड़ता है तो दवा बदल सकते हैं, और दवा से अगर कोई दिक्कत होती है तो दवा आप 2-3 दिन बंद भी कर सकते हैं। कई बार होम्योपैथी मेडिसिन एग्रेवेशन दिखा देती है, नहीं होम्योपैथी मेडिसिन लेने से थोड़ा 1-2 दिन दिक्कत बढ़ सकती है, तो अगर ऐसा होता है तो 2-3 दिन कोई मेडिसिन ना लें, धीरे धीरे वो अपने आप उसका असर कम हो जाता है, और फिर दोबारा से आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और कई बार तो मेडिसिन 1-2 दिन लेने के बाद फिर लेना जरूरी भी नहीं होता है, तो कंप्लीटली ये केस के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।